हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन होम किचन में स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी काजू पनीर पनीर एंड कैप्सिकम लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी है। इसे मैंने एकदम डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। इसके लिए सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। पनीर को मैरिनेट करने के लिए मैंने 2 चम्मच भर करके मैंने टमाटो केचप लिया है, 1 टेबल स्पून भर करके मैंने इसमें सोया सॉस लिया है और लगभग 2 टेबल स्पून भर करके ही मैंने चिली सॉस दिया है। बच्चे अगर आपके हैं तो थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें लगभग 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाला है और 1 टीस्पून भर करके मैंने शहद डाला है। यानी अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा एक कैरेमल आता है हनी मिला देने से। और अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस है तो उसे भी मिलाइए। मैंने इसे मैरिनेट कर दिया है पनीर को मैरिनेट करने में मुझे सोया सॉस थोड़े कम लगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। मैं इस पर ऊपर से सॉल्ट नहीं डालूँगी, क्योंकि हमने जितने भी सॉस डाले हैं सबों में सॉल्ट होता है, इसलिए सॉल्ट मत डालिएगा। और अब मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल गरम किया है और उसी में मैंने जो भी अपने पनीर को मैरिनेट करके रखा था उसे डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम हो तो कम से कम इस मैरिनेट किए हुए पनीर को 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। और अब मैंने इस पर इसके बचे हुए जितना भी बॉल में बचा था उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इसी तरह हाई फ्लेम में पनीर को उलट पलट के मैं थोड़ा सा इसमें कलर आने दूँगी, जिससे इसमें हल्का रेडिश कलर आ जाए। दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, इसे ज़रूर बनाइए। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की ये इंडो चाइनीज रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और किसी भी गेस्ट के सामने रखिएगा तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है, आप उसी हिसाब से वेजिटेबल्स लीजिएगा। साथ में मैंने 2 कैप्सिकम और 2 अनियन लिए, जिसे भी मैंने स्क्वायर में काट लिया है फ्रेंड्स। और अब मैंने जो सॉटे पनीर को किया था उसे निकाल लूँगी। इसमें बहुत ही अच्छा एक रेडिश कलर आ गया है और इसके अच्छे ऊपर बहुत अच्छी क्रस्ट भी आ गई है। दोस्तों, अब मैं इसे अच्छी तरह से निकाल लूँगी और इसी ऑयल में, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्लेवर है, इसी ऑयल में मैं थोड़ा सा और ऑयल डाल के अपने बाकी की सब्जियों को बनाऊँगी। दोस्तों, फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। और अब देखिए, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून तेल और डाला है, साथ में ही मैंने इसमें बहुत सारे लगभग 1.5 चम्मच मैंने इसमें गार्लिक क्रश किया हुआ डाला है। ताज़ा ही गार्लिक डालिएगा क्रश किया हुआ, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली डाली है। दोनों को मैंने लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया था और जैसे ही उसका कच्चापन निकल गया मैंने इसमें कटे हुए कैप्सिकम और अनियन डाल दिए हैं। कटे हुए कैप्सिकम और अनियन को भी स्क्वायर में काट लीजिएगा, बड़े बड़े थोड़े चंक्स, और अच्छी तरह से इसे हाई हीट पर सॉटे कीजिए, क्योंकि इसे हमें पकाना भी है, कच्चापन इसका निकल जाए लेकिन इसकी क्रंचीनेस बनी रहे। इस सब्जी की यही विशेषता है फ्रेंड, एकदम हाई हीट पर इसे थोड़ी देर के लिए सॉटे करना है। बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी सब्जी है, इसे आप लोग ज़रूर बनाइए। अगर आपके घर में दावत या पार्टी है तो इसे साइड डिश के रूप में रखिए, लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। और अब देखिए, जब हमारे वेजिटेबल सॉटे हो गए तो मैंने इसमें फिर से थोड़ा सा टमाटो केचप डाला है। टमाटो केचप लगभग 2 टेबल स्पून मैंने डाला है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाला है 1 टेबल स्पून और अब मैंने फिर से इसमें अब ब्लैक पेपर डाला है क्रश किया हुआ 1/4 टीस्पून और चिली सॉस मैंने डाला है। लास्ट में मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी। इसे अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी दोस्तों
और अब देखिए मैंने इसमें लगभग एक टेबल स्पून भर करके मैंने चिली फ्लेक्स डाला। थोड़े से चिली फ्लेक्स को मैं बचा लूँगी जिसे मैं बाद में सर्व करते समय डालूँगी। और अब मैंने 1.5 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल दिया था, आधे गिलास पानी में उसमें डाल दिया है और साथ में ही मैंने जो पनीर को सौटे करके रखा था उसे डाल दिया है। और सबों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद मैंने इसमें फिर से 1 चम्मच हनी डाला है। हनी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा है कैरेमल बनता है जो बहुत ही टेस्टी लगता है सब्जी के साथ और इसके बाकी फ्लेवर को भी बहुत ही उभारता है फ्रेश। और अब देखिए मैंने इसमें भुने हुए काजू डाल दिए हैं। भुने हुए काजू क्रिस्पी काजू को मैंने लगभग 1/4 कप डाला है, 1/4 डालने के बाद अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिला के और उतार लिया है दोस्तों। उसके बाद मैंने इसे एक प्लेटर में डाला है, ऊपर से भुने हुए क्रिस्पी काजू से मैंने इसे डेकोरेट किया है और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स फिर से डाल दूँगी। चिली फ्लेक्स डालने से न केवल टेस्ट अच्छा लगता है बल्कि देखने में भी अच्छे लगते हैं। और इस तरह से मैंने इसे सर्व कर दिया है दोस्तों। अब बिल्कुल ये रेडी टू ईट है क्रिस्पी काजू पनीर कैप्सिकम। इसे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाइए और साथ में ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल दबा दीजिएगा जिससे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। जब तक कि आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।